गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड से, ये एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोनोमस बॉडी कंपनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, सिविल सिविल, एचआर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बंपर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा, अप्रेंटिसशिप के तहत निकाली गई हैं। आइए एक एक करके हम इस पूरे नोटिफिकेशन को जानते हैं। तो आप इसका एडवर्ट रेफरेंस नंबर ये देख सकते हैं और डेट देख सकते हैं, 11 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। वहीं पावर ग्रिड का, ये पावर ग्रिड से ये निकाली गई है। पावर ग्रिड ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1 से निकाली गई है। तो इसमें हम जानते हैं इनमें निकाली हुई पोस्टों के बारे में। तो इनमें जो इसमें पहली मेंशन कर दिया गया है कि ये जो अप्रेंटिसशिप के तहत यहाँ सिलेक्शन होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 1 साल के लिए, और ईस्टर्न रीजन पर होगा, यानी जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी बिहार और झारखंड स्टेट में होगी। वहीं बात करते हैं इनमें निकाली हुई पोस्टों के बारे में। तो इनमें जो पोस्टें निकाली गई हैं, जो पहली पोस्ट है वो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। और दूसरी जो पोस्ट है ग्रेजुएट सिविल की निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। और तीसरी जो पोस्ट निकाली गई है ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। तो ये जो ग्रेजुएट बेस पोस्ट निकाली गई है इंजीनियरिंग बेस, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो पोस्ट निकाली गई है, उसमें जो आपको मंथली इनकम दी जाएगी वो 15,000 तक आपको यहाँ मंथली इनकम प्रोवाइड की जाएगी। और बात करें अगली पोस्ट की, ह्यूमन रिसोर्स, जो MBA वालों के लिए निकाली गई है, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, उसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं टोटल 5 पोस्ट हैं। तो इसमें भी आपको 15,000 मंथली स्टाइफंड, 15,000 इनकम मिलेगी। वहीं डिप्लोमा वालों के लिए भी निकाली गई, डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल निकाली गई है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 और 7 पोस्ट है टोटल, इलेक्ट्रिकल के लिए 14 है और सिविल वालों के लिए 7 है। तो इसमें आपको 12,000 रुपये मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा। वहीं बात करें अगली पोस्ट की, तो असिस्टेंट HR निकाली गई है MBA वालों के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, इसमें भी आपको 12,000 स्टाइफंड दिया जाएगा। और आखिरी जो एक पोस्ट निकाली गई है वो ITI वालों के लिए निकाली गई है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, इसमें मंथली आपको 11,000 स्टाइफंड दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, इसमें सिलेक्शन होना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन में आपकी कोई फ़ी नहीं लगनी है, कोई फ़ी नहीं लगनी है। और सिलेक्शन इसमें होगा डायरेक्ट मेरिट बेस में आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, आपकी इंजीनियरिंग की मार्कशीट के मेरिट बेस, आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट के मेरिट बेस, आपकी ITI की मार्कशीट के मेरिट बेस। वहीं बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ मेंशन कर दी गई है कि 10 अगस्त तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो फाइनल ईयर जिन्होंने पास किया और 2 साल का अंतर कम से कम हुआ हो तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल से ज़्यादा जिनका फाइनल ईयर पास किए गैप हो चुका है वो अप्लाई नहीं करेंगे। और ये अप्लीकेबल ITI वालों के लिए नहीं है, ये नोटिस अप्लीकेबल। तो वहीं लास्ट डेट बात करें तो 10 अगस्त तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसकी मेन वेबसाइट बता दी गई है, www.powergridindia.com पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करेंगे वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं HR डिपार्टमेंट से ये नोटिस आया है। तो 1 साल के लिए यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप के तहत रखा जाएगा। वहीं आपको ग्रेजुएट वालों को, इंजीनियरिंग वालों को मंथली 15,000 स्टाइफंड दिया जाएगा, डिप्लोमा वालों को 12,000 दिया जाएगा और ITI वालों को 11,000 स्टाइफंड दिया जाएगा। वहीं इंजीनियरिंग वालों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स निकाली गई है। और डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल और सिविल निकाली गई है वैकेंसियाँ। और MBA वालों की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स से निकाली गई है। वहीं ITI वालों के लिए भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से निकाली गई है। तो अप्लाई प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, powergridindia.com की वेबसाइट पर जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ रोज़ाना आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हम देते रहेंगे।